नमस्कार सभी को, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका नेहा एडुकेटर चैनल में। तो आपकी जो एग्जाम आने वाली है लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की, तो उसके लिए एक मॉक टेस्ट है लाइब्रेरी साइंस का। तो ये मॉक टेस्ट का नंबर 19 है। इससे पहले के जो मॉक टेस्ट आ चुके हैं उनका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन जो है उस पर क्लिक करने पर मिल जाएगा। बाकी सभी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। और इसके बाद जो आपका स्कोर है वो आप ज़रूर शेयर करें। किसी भी क्वेश्चन में कुछ क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय वर्गीकरण समिति FID/CCC सेंट्रल क्लासिफिकेशन कमेटी की स्थापना कब हुई? तो जो उसकी स्थापना हुई थी तो उसका जो मैंने आंसर है नीचे दे रखा है PDF में, ये हुई थी 1924 में। तथा इसका पुनर्गठन जो हुआ था वो आपको हुआ था 1960 तथा 1965 में। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन है, 1924 में हुई थी केंद्रीय वर्गीकरण समिति की स्थापना। वर्गीकरण अनुसंधान समिति, तो ये FID/CR कमिटी ऑन क्लासिफिकेशन रिसर्च का गठन कब किया गया? ऑप्शन आपके पास में है। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका 1962। तो इसमें 1962 में जो है आपकी वर्गीकरण अनुसंधान समिति का जो है गठन किया गया था 1962 में। शिक्षण एवं प्रशिक्षण समिति FID/CR कमिटी ऑन क्लासिफिकेशन रिसर्च, तो इसका गठन कब किया गया था? यह आपके पास ऑप्शन है, इसमें बताइए आप। तो अगर हम बात करें शिक्षण प्रशिक्षण समिति का जो गठन था वो हुआ था आपका 1953 में। तथा इसका पुनर्गठन की हम बात करें तो वो हुआ था आपका 1959 में। तो अब ये चीजें क्या है तो एक बार मैं आपको रेफरेंस दिखा देती हूँ। तो ये सभी क्वेश्चन मैंने BLIS की बुक जो है उससे लिए हैं, जो कि आपकी VMOU की साइट से है। उसका लिंक मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ जहाँ से आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अभी टाइम नहीं इतना आप बुक्स को रीड करें। वेल, ये आपकी समितियाँ हैं, कमिटीज जो बनाई गई थी। पहली आपकी केंद्रीय वर्गीकरण समिति है, नेक्स्ट हम बात करें तो आपकी वर्गीकरण अनुसंधान समिति है, और तीसरी इसमें है सूचनाएं प्रलेखन शब्दावली की समिति, एंड चौथी हम बात करें तो ये शिक्षण है प्रशिक्षण समिति। तो इन सभी समितियों के बारे में बात यही है। और इसमें फिफ्थ है उद्योगों के लिए सूचना संबंधी समिति, तो ये आपकी कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन फॉर इंडस्ट्री। तो इसकी हम बात करें तो इसका गठन जो है कब किया गया था? 1959 में इंडस्ट्री वाले का। तो इनका भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, किस समिति ने 1964 में LG Noor में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण अनुसंधान सम्मेलन तथा 1975 में मुंबई में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण? तो यहाँ पर ये जो है वो थोड़ा गलत टाइप हो गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किस समिति द्वारा किया गया था? हालांकि मैं इसका रेफरेंस बता दूंगी, पहले आप इसका आंसर बताइए। तृतीय अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण अनुसंधान सम्मेलन, और पहला जो है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण अनुसंधान सम्मेलन 1964 में, और मुंबई में 1975 में किसने किया था? तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका वर्गीकरण अनुसंधान समिति। तो ये है आपका सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पर आप जो दूसरा जो है वर्गीकरण उसमें देख सकते हैं कि सन 1964 में इस समिति ने LG Noor में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण अनुसंधान सम्मेलन, 1975 में बंबई में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया। तो इसमें आप रीड आउट कर सकते हैं अच्छे से, ताकि आपको जो भी उसमें मिस्टेक हुई है तो आप यहाँ पर ठीक कर लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी अगर आपके पास जो अवेलेबल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं UDC का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्करण जो है कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन आपके पास में है। तो इसमें बताना आपको UDC का जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्करण है वो कब प्रकाशित हुआ? तो
तो ये हुआ था आपके 1905 में, ध्यान रखिए यूडीसी का जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्करण जो है वो प्रकाशित हुआ था 1905 में, इसका राइट आंसर यहाँ पर गिवन है। किस वर्गीकरण पद्धति का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्करण जो है वो मैनुअल डी रेपेटियर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल नाम से प्रकाशित हुआ, तो कौन सा जो है वर्गीकरण पद्धति थी, तो इस नाम से उसका जो है प्रकाशित हुआ पहला अंतर्राष्ट्रीय संस्करण, तो वो थी आपकी यूडीसी जो कि 1905 में ये प्रकाशित हुआ था 1905 में, तो ये थी आपकी यूडीसी। तो यूडीसी की फुल फॉर्म जो आपने यहाँ पर देखी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पर, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, जो यूनेस्को आपके लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है लाइब्रेरी साइंस के अंदर, तो उसको आप जरूर याद रखना कि इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो ऑप्शन आपके पास में है। तो यूनेस्को की स्थापना जी वो हुई थी आपकी 1946 में, ये हुई थी 4 नवंबर को। अब आपको इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको कॉमेंट बॉक्स में बतानी है। FID stands for, FID की फुल फॉर्म आपको बतानी है, इसमें इजी है, ऑप्शन आपको काफी इजी दिए गए हैं। तो अगर आप पहला ऑप्शन ही देखते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, तो यही इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी फर्स्ट ऑप्शन। तो नीचे आपका इसका आंसर गिवन है, FID के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए संगठन को कितने भागों में विभक्त किया गया, 5, 6, 4, 7। तो FID के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए संगठन जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन उसको किया गया 4 में, तो ये आपकी 4 इसमें दी गई है। पहला है जनरल असेंबली, फिर है काउंसिल ब्यूरो एंड आपका जो सचिवालय है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी मई 1972 में, और इसका जो इस फाउंडेशन का जो स्वयं का भवन है वो आपको कोलकाता में स्थित है, तो 2 मई इसमें ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया है, ना कि 2 मई है, तो उसको आप यहां से देखें मई 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ, यूजीसी का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो ये हुआ था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। कब हुआ था ये भी आप देख लीजिए, 1948 में हुआ था। किसके अनुसार प्रलेखन जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है के मुख्यतः 2 कार्य हैं, पहला तो है प्रलेखन कार्य एंड दूसरा है आपका प्रलेखन सेवा, तो ये किसने कहा था, किसके अकॉर्डिंग ये 2 इसके फंक्शन बताए हैं, तो ये बताएं आपके डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेडरेशन फॉर इंटरनेशनल एंड डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना 1995 में किस शहर में की गई थी, तो यहाँ पर जो है ये 1895 है। अब आपको बताना है कि किस शहर में की गई थी, तो ये की गई थी आपकी ब्रुसेल्स में, बी सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। शैक्षणिक पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं, एकेडमिक लाइब्रेरीज की बात की जा रही है, तो ये होती है आपकी 3 प्रकार की, पहली स्कूल लेवल पर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, तो ये होती है 3 प्रकार की, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विद्यालय पुस्तकालय के कितने स्तर होते हैं, तो ऑप्शन आपके पास में है, अब आपको बताना है कि कितने स्तर होते हैं, तो इसके होते हैं 3 स्तर, प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्चतर। अब
अब हम 5 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर के करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन को करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको जो ये प्रीवियस ईयर पेपर में आए जो क्वेश्चन है, ये तो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। तो पहला प्रश्न है, सूचना फिजिकल प्रौद्योगिकी से अधिक शक्तिशाली है और यह एक ऐसा अदृश्य लिंक है जो कि समाज को एक साथ एक सूत्र में बांधे हुए है। यह कथन को निम्न में से किसने उद्धृत किया है? ऑप्शन आपके पास में है, तो ये किया है विलियम ई हलाल ने। थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर है, रंगनाथन ने बनारस में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय शैक्षणिक सम्मेलन में एक मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम निम्न में से किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो ये किया था इन्होंने 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक जिला पुस्तकालय, राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय और राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय को यहाँ जहाँ स्थित है, उनके निम्न में से सही क्रम को चुने इनमें से। तो क्रम आपके पास दिया हुआ है, तो इनका सही क्रम है झालावाड़, जोधपुर, उदयपुर एंड जयपुर। तो थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर देश के किस पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षणिक पुस्तकालयों में अपने अनुसंधान करने में व्यस्त वैज्ञानिक के समय को बचाने के लिए रिप्रोग्राफी सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया? तो ये किया गया था 6वीं पंचवर्षीय योजना में। पांचवा प्रश्न यहाँ पर डिलीट हो गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। INB का अभिप्राय है, INB स्टैंड्स फॉर, तो INB की जो फुल फॉर्म है वह है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर है। तो ये हो गए आपके 20 questions। तो 40 में से जो भी आपके मार्क्स आए हैं वो आप जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो भी आप बता सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक दिया गया है। बाकी के वीडियोस के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, और यह है मेरी ईमेल आईडी, इस पर आप ईमेल कर सकते हैं कोई क्वेरी हो तो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये रेड बटन का जो सब्सक्राइब बटन है उसको ग्रे कर दीजिए, यानी ये जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नई अपडेट आए तो आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले वीडियो देख पाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जैसे कि आप पहले के वीडियोज़ को मेरे करा है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।